क्या आपके दिमाग में कभी ये बात आई है कि अंधे लोग आके क्या देखते हैं? आप बोलोगे जब हम लोग आंख बंद करते हैं तो जो दिखता है वही देखते हैं, लेकिन नहीं, आंख बंद करने पे जो हमें कलर दिखता है उसे आइजन कलर कहते हैं, पर जो अंधे होते हैं उन्हें ब्लैक भी नहीं दिखता है। सोचो जरा, कोई अंधा है, अगर जन्म से अंधा है तो उसे ब्लैक नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। आंख बंद करने पे जो हमें आइजन कलर दिखता है तो वो एक कलर हुआ ना, अगर हमें दिखता तो हम देख पाते। जैसे हम आंख बंद करते हैं, ब्लैक भी जो दिखता है तो वो दिख रहा है ना, लेकिन ब्लाइंड को कुछ नहीं दिखता है। आंख बंद करने पर हमें ब्लैक जो आइजन कलर दिखता है तो वो एक कलर हुआ, अगर हम उसे देख सकते, अगर हम लोग की आंख ठीक है, कलर दिख रहा है या ब्लैक भी दिख रहा है तो वो दिख रहा है ना, लेकिन ब्लाइंड को कुछ नहीं दिखता। जब कुछ नहीं दिखने की बात है तो ना आइजन कलर है ना ही ब्लैक कलर है, मतलब उनका सेंसरी इनपुट ही नहीं है। जैसे मैं आपसे पूछूं आप अपने एल्बो से क्या देख सकते हो, तो आप कहोगे एल्बो से क्या, एल्बो से कुछ नहीं देख सकते। तो एल्बो मतलब आपको कुछ नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, मतलब आपको सेंस बता रहा होगा कि कुछ नहीं पता, तो कुछ नहीं देख पाते हैं। नथिंग, नॉट इवन ब्लैक, एब्सोल्युटली नथिंग, क्योंकि आप कहोगे कि तुम्हें कैसे पता, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से अगर कोई सेंसरी इनपुट है ही नहीं, इनपुट जीरो है, तो वो जो बनेगा वो भी जीरो होगा, कोई कलर नहीं होगा। तो अंधे लोग सिंपली कुछ नहीं देखते हैं और वो ब्लैक कलर भी नहीं देखते हैं। अंधे लोग जो देखते हैं कुछ नहीं, नॉट इवन ब्लैक, उस चीज़ को नॉर्मल लोग, आप और हम, कभी नहीं देख सकते, बिकॉज इट्स नथिंग।